everything is very much oily. Wait. Come. Mochu, what you are doing? You? Salam. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ है मोंचू। हाय नमस्ते गुरु, माय नेम, मेरा नाम फैज। यू हैव टू सी हियर। हाय नमस्ते गुरु, माय नेम इज फैज। तो मेरे साथ है फैजा और मैं और फैजा आज कहाँ जा रहे हैं भाई? आज भी हम शादी की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि भाई हाँ, तो आज हम जा रहे हैं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्री वेडिंग, ये वेडिंग, वो वेडिंग, ऐसी वेडिंग, वैसी वेडिंग, शूट जो करते हैं उनसे मिलने। दरअसल व्हाट, दरअसल फैजा की फ्रेंड है सरीना, जिनको आप जानते हैं, जिनकी वेडिंग सेलिब्रेशन में हम गए थे, उन्होंने ही सजेस्ट करे हैं ये फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। तो देखते हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या इनके अंदर क्वालिटी है और ये क्या क्या हमें देने वाले हैं हमारी वेडिंग के लिए। और आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ भाई, वेडिंग से पहले एक प्री वेडिंग सॉन्ग आपके लिए आने वाला है। उसमें मैं एज एन एक्टर, एज अ हीरो आपका दिवाकर भाई और फैजा एज अ एक्ट्रेस दिखेंगे आपको एक अच्छे से सॉन्ग पे। और हाँ, अगर कोई सॉन्ग लिखता है, कोई गाने लिखता है, तो भाई मुझे वो गाना भेज दो आप, आपको मैं रॉयल्टी दूंगा और आपका नाम भी आएगा, सब कुछ आएगा। अगर कोई गाने बनाता है और वो चाहता है कि उसके गाने लोगों तक पहुँचे, तो आप वो गाना मुझे भेजें, मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करें और आप मुझे वो गाना भेजें, मैं आपको रॉयल्टी भी दूंगा, आपका नाम भी दूंगा और सब कुछ दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं बाहर, फैजा के पेरेंट्स आ रहे हैं और वो हमें ड्रॉप करेंगे उस जगह, उस स्टूडियो में जहाँ पर हमें ये लोग मिलेंगे और हम इनसे बातें करेंगे। तो चलते हैं। तो व्हाट, तो दोस्तों फैजा के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं लोगों से, क्या बात होती है। भाई हम पहुंच गए हैं जहां पर फोटोग्राफर है और उस जगह का नाम है जहन्नामा स्ट्रीट। और जब फैजा ने मुझे बताया था तो मुझे लगा उस जगह का नाम है जहन्नुम स्ट्रीट। तो भाई जहन्नामा स्ट्रीट है, सो जहन्नामा। ओके, शुड वी मूव? खुद हाफिज। तो बाबा ने हमको यहां पर ड्रॉप कर दिया है और बीता मेहता जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए बाजार गए हैं। तो अभी हमें देखना है कि हमें किस जगह जाना है। Where we have to go? How much that chandelier is beautiful. Is it chandelier? What? Oh my god, my rock. What we call these things? Which chandelier, one? Chandelier, yes? I don't know. Candelians. Candelier. अभी हमें देखना है कि हमें जाना कहाँ है। जहन्नामा स्ट्रीट। Wait. Come. Mochu, what you are doing? You warned that somebody hits you? Sorry, you didn't know what he's doing. You know. Huh? But you know how to do that? Oh. Yeah. He was doing like this. Where? This? Yeah. Come, go. This one. So we are going to reach, brother. Yeah.
जहान नामा टावर, अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है जहान नामा टावर। इट्स अ मॉल, ओके। तो भाई ये मॉल है और शायद मॉल के अंदर ही है वो जो फोटोग्राफर है। ओके, बहुत अच्छा मॉल है, आप देखो। It's for future. Don't think to buy anything. Okay? I'm just looking. And look at her. Egyptian. Look at this. Why Egyptian? It's like Egyptian. Right? Yeah. So what is Iranian style? What is that? T-shirt. She? We have to go to next floor. We have to what? Next floor. Okay, the next one. Yeah. No, it's good. Let's look good. This little song, please, please. That when we see the person that there's no sign, he has the sunglasses, we say to him that, do you want that I give you a sun? So, but I have moon. No, really, remove it. You're more beautiful with that. तो दोस्तों देखते हैं, पहुंचते हैं तो देखते हैं तो देखते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं उस स्टूडियो में और वो ये रहा। अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं। ये है स्टूडियो और सलाम। तो ये है यहाँ के मैनेजर और ये है स्टूडियो। अभी बैठते हैं और फिर उनसे बात करेंगे आराम से, वो देखते हैं। देखते हैं। خب میگم یک ساعتش خیلی مهمه که مثلا عصبیش شما یاد خب مرسوم شروع میشه بله بعد اینکه دو ساعت دوازده خوب ادامه پیدا میکنه یکی لوکیشن بعد مثلا عکاسی این صحبت ها یه من عکاسی این صحبت ها یه لوکیشنی هم دوزه तो दोस्तों हमने अभी आपने जैसे कि देखा कि फ़ाइज़ा और जो फोटोग्राफ़र हैं जो वीडियोग्राफ़र हैं उनकी बात हो रही थी। काफ़ी देर तक ये बात चली, एक घंटे तक हम लोग बात करते रहे क्योंकि देखो आपको भी पता है कि मेरे को बहुत पहले से ही मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं था उनके लिए मेरे से डील करना। लेकिन अभी भी बात जो है ना, क्योंकि मुझे सब चीज़ देखते हुए चलना है प्राइसिंग वगैरह, तो उन्होंने एक अच्छे प्राइस दिए, बट अभी हमें देखना है कहीं और भी एक बार ट्राई करके और उसके बाद कहीं जाके हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ उनकी, उनके कैमरा वर्क बहुत अच्छे हैं, उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, और जो मैंने उन्हें कहा जिस तरीके की चीज़ वो उस सारी चीज़ों को समझ गए। लेकिन आगे अभी हमें देखना है कि यार थोड़ा सा और चीज़ें एडजस्ट हो जाएँ तो हम उनको फाइनल करते हैं। बाकी अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, बाबा को बाबा आ रहे हैं शायद, तो उनसे बात करते हैं फिर देखते हैं। तो भाई अभी फ़ाइज़ा बाबा से बात कर रही है और उनसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या रहेगा, और उनसे डिस्कस करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो भाई फाइनल हो गया है,
हमने फाइनल कर दिए हैं और ही इज़ द फोटोग्राफर एंड यही पूरी वेडिंग को शूट करने वाले हैं नूरी नूरी योर नेम इज नूरी राइट तो अब यही इस पूरी वेडिंग को करने वाले हैं और मैंने आपसे कहा है कि आपने कोई सॉन्ग भेजना है ताकि उस सॉन्ग पे मैं इस पूरी वेडिंग को कर पाऊँ और वो सॉन्ग का क्रेडिट भी आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी पेमेंट देखो, फाइजर पेमेंट कर रही है और बस पेमेंट करने के बाद हम चलते हैं और ये हमने आज फाइनल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है और चलते हैं देखते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं बू वाली स्ट्रीट पे जहाँ पे मुझे ख़रीदना है प्रोटीन शेक, क्योंकि भाई जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज करने जा ही रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत है प्रोटीन शेक की। अब हम लोग जा रहे हैं बू वाली स्ट्रीट, फिलहाल स्नैप में हैं और बू वाली स्ट्रीट पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं क्या मुझे वेजिटेरियन प्रोटीन मिल पाता है, क्योंकि मुझे वेजिटेरियन प्रोटीन ही खाता हूँ मैं, वैसे वेजिटेरियन प्रोटीन ही खाता हूँ, तो देखते हैं कि क्या मुझे वेजिटेरियन प्रोटीन मिल पाता है या नहीं। तो अभी रास्ते में हैं और जा रहे हैं हम बू वाली स्ट्रीट, आप देखें। तो भाई हम आए थे प्रोटीन लेने, लेकिन अफसोस जैसे कि हमें पता था और लग ही रहा था भाई प्रोटीन नहीं मिला, क्योंकि वेजिटेरियन प्रोटीन कहीं भी नहीं मिल रहा, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। लेकिन घर जाने से पहले जो फ़ायज़ा है वो बहुत दिन से जो है बीता मेहता को ये वाला फलाफल जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये खिलाने के लिए कह रही थी, लेकिन हमें कभी टाइम ही नहीं मिला। आज हम लोग आ गए हैं और हम यहाँ से लेंगे फलाफल। अरे देखो आप कितनी लंबी लाइन लग रही है अभी, मतलब ये फलाफल हैमदान में सबसे फेमस है और लाइन देखो आप कितनी लंबी लग रही है। तो यहाँ से लेते हैं हम फलाफल और फिर जाते हैं घर। वी आर बाइंग फलाफल फॉर हू? उसे नहीं खाना, वो कह रही है You are not eating that, you think that everything is very much oily. वो नहीं ले रही, कह रही oily है, मैंने कहा नहीं। He uses oil a lot and you said something. तो कह रही है कि oil बहुत ज़्यादा है, बहुत दिन से हम oily खा रहे हैं, मैंने ठीक है तुम मत खाओ मैं तो खाऊँगा, ओबीता मेहता के लिए ले लेना। तो भाई हम पहुंच गए हैं घर पर फैज़े के पेरेंट्स के, और क्योंकि डिनर वहाँ पे है और आज हमने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है तो वो भी उन्हें बताना है। हम देखते हैं, अंदर चलते हैं क्या बना है डिनर में आज। तो भाई खाना खाने के बाद अब मैं कर रहा हूँ आराम और इधर रहे बाबा जो कि सो रहे हैं आराम से और इधर सब टीवी देख रहे हैं और उठ गए और इधर भी तो मैं था, इधर भी तो मैं था, टीवी देख रही हैं और ना खाबिया में बहुत खाबिया
दोस्तों आज जो है फैज़ा यहीं पर रुकने वाली है और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और ओम नमो नारायण।